रविवार का दिन ही छुट्टी का दिन क्यों? बच्चे स्कूल जाते हों या कोई व्यक्ति नौकरी करता हो, सभी को रविवार का इंतजार रहता है। रविवार का दिन होता है सबके लिए छुट्टी का दिन, यानी कि मस्ती का दिन। इस दिन लोग अपने काम और पढ़ाई से हटकर अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं या रिलैक्स करते हैं। बता दें कि एक वैज्ञानिक शोध से खुलासा हुआ है कि 7 दिन में 1 दिन छुट्टी होनी ही चाहिए। इससे दिमाग और शरीर को शांत और रिलैक्स होने का मौका मिलता है। लेकिन अहम सवाल ये है कि छुट्टी केवल रविवार के दिन ही क्यों होती है, बाकी के किसी 6 दिन में क्यों नहीं मिलती? तो आइए आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो रविवार को ही छुट्टी का दिन क्यों होता है? दरअसल बात यह है कि ऐसा ईसाई धर्म के अनुसार होता है। ईसाई धर्म माना जाता है कि उनके ईश्वर ने धरती बनाने में 6 दिन लगाए थे। इसके बाद उन्होंने 7वें दिन यानी कि रविवार को आराम किया। इसी मान्यता से अंग्रेजों ने रविवार को आराम का दिन मान लिया। 1843 में तय किया गया कि भारत में भी रविवार के दिन छुट्टी रहेगी। भारत में सबसे पहले मुंबई में रविवार की छुट्टी दी गई। छुट्टी का एक और कारण यह है कि सभी धर्मों में 1 दिन भगवान के नाम का होता है। जैसा कि हिंदुओं में सोमवार शिव का या मंगलवार हनुमान का, ऐसे ही मुस्लिमों में शुक्रवार यानी कि जुम्मा होता है। इसी तरह ईसाई धर्म में रविवार को ईश्वर का दिन माना जाता है और अंग्रेजों ने भारत में इसी परंपरा को बनाए रखा। उनके जाने के बाद भी आज तक रविवार का दिन छुट्टी का दिन ही है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस तरह का फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर करें। धन्यवाद।